एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आ गया हूँ। आज की वीडियो में बेसिकली असाइनमेंट किस तरीके से सबमिट करना है उससे रिलेटेड में वीडियो होने वाली है। बट असाइनमेंट सबमिट करने से पहले आप सभी लोगों को काफ़ी सारी क्वारीज आ रही थी आप सभी स्टूडेंटों में से, तो मैं स्टूडेंटों को फर्स्ट क्लियर कर देना चाहूँगा, ये असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ विंटर सेशन के सेमेस्टर सिस्टम वाले छात्र छात्राओं के, यानी फॉर एग्जांपल जिन विद्यार्थियों का सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है, बीए बीकॉम बीएससी के असाइनमेंट अभी नहीं आए। विंटर सेशन के जो विद्यार्थी वार्षिक वाले हैं उनके असाइनमेंट ये अभी यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज नहीं किए गए हैं। ये बात करते हैं किस तरीके से ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है। ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने से पहले आप सभी लोगों को डेट शीट चेक कर लेनी है। 17 से 30 नवंबर तक आपके असाइनमेंट चलने वाले हैं। जो प्रोग्राम यहाँ पे मेंशन करवाए गए हैं उन प्रोग्रामिनेशन और सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट होंगे। ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके नोटिस पढ़ सकते हैं। साथ में इसमें आपको नोटिस में देखने को मिल जाएगा, फिर आपको लॉगिन टू असाइनमेंट पोर्टल पर क्लिक करना होता है। लॉगिन टू असाइनमेंट पोर्टल पर क्लिक करने के बाद आपके पास आपका यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना होता है। यूज़र नेम में आपका एनरोलमेंट नंबर आता है, पासवर्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ YYY MMDD फॉर्मेट में आपको एंटर करना होता है। उसके बाद आपको लॉगिन करना होता है। मेक श्योर कि आप डेट ऑफ बर्थ का पैटर्न YYY MMDD फॉर्मेट में ही रखें, अदरवाइज अगर आप दूसरा पैटर्न यूज़ करते हैं तो आपका एनरोलमेंट और पासवर्ड इनकरेक्ट बताता है। जैसे ही आप लॉगिन कर देते हैं आपको इस तरीके की कुछ डैशबोर्ड देखने को मिलता है। आप सिंपली डैशबोर्ड या साइट होम पे जैसे जाते हैं तो आपके पास ऑनलाइन असाइनमेंट पोर्टल की डिटेल मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे माई कोर्स में देख सकते हैं आपके लाइक कोड बताया गया है, यहाँ पे 6659 और 6658 है, 6657 है। तो आपके जैसे सेकंड सेमेस्टर का कोई स्टूडेंट है उसके पास तीन सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तीन सब्जेक्ट के उसको तीन को असाइनमेंट सबमिट करने हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक ही डे में तीन असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। और मेक श्योर अगर आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं तो आपके पास अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप मतलब पर डे के अकॉर्डिंग अलग अलग असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, या अगर आपके पास टाइमिंग का इश्यू है तो आप एक ही दिन में भी सारे असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप माई कोर्स में जाते हैं तो माई कोर्स में आपको सिंपली इस तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप सिंपली इसको कट करके और जैसे आपको असाइनमेंट सबमिट करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं, लाइक MCM 506 है, इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस ऑपरेशन का असाइनमेंट पे क्लिक करना होता है। आपको यहाँ पे ओपन और क्लोज डेट मेंशन कर देता है, ठीक है, वेनसडे है 17 नवंबर 2021 और क्लोजिंग डेट है इसकी ट्यूसडे 30 नवंबर 2021। टाइम पीरियड चेक कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आ रहे थे स्टूडेंटों के असाइनमेंट में पासिंग क्राइटेरिया क्या है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 में से अगर आपके मोर देन 7 है या 7 मार्क्स हैं तो आप पास आउट हो, ठीक है। लाइक पिछले टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि अगर आपके 20 में से 7 मार्क्स हैं तो आपको प्रमोट किया गया था ऑन द बिहाफ ऑफ योर असाइनमेंट मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। तो इस बार भी यूनिवर्सिटी ने यही रखा है कि 20 में से अगर आपके 7 मार्क्स आते हैं तो आप असाइनमेंट में पास आउट माने जाओगे। बट टू बी मेक श्योर कि इस बार प्रमोट नहीं किया जाएगा, इस बार एग्जामिनेशन होंगे। तो जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, तो वो अपनी स्टडी सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट की कंटिन्यू करते रहें। आप असाइनमेंट पे क्लिक करते हो आपके पास आप पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और आप दो अटैम्प्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे, अटैम्प्ट क्विज नाउ पे क्लिक करना होता है। जैसे आप अटैम्प्ट क्विज नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक घंटे का पूरा टाइम पीरियड दिया गया है। एक घंटे में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अटैम्प्ट क्विज नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको एक घंटे मिलता है, एक घंटे में आपको टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपके बुक्स से ही रिलेटेड आते हैं, बुक्स में ही अगर आपने स्टडी करी है तो आपके बुक्स से रिलेटेड ही आएंगे। और जैसे आप सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं तो आपको ग्रेड भी शो कर देता है, आप ग्रेड भी चेक कर सकते हैं। ग्रेड चेक करने के लिए सिंपली आपको ग्रेड पे जाना है और अपने मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट ने अभी कोई भी असाइनमेंट सबमिट नहीं करे, इसमें असाइनमेंट की सब्जेक्ट वाइज डिटेल नहीं मार्क्स की शो कर रहा है, अदरवाइज यहाँ पे आपको ग्रेड देखने को मिल जाएगा और आप अपना परसेंटेज भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। गाइस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने हैं, बिकॉज आपने फर्स्ट टाइम पे भी सबमिट करे थे तो फर्स्ट टाइम पे आप गलती ना दोहराएं जो आपने फर्स्ट टाइम पे करे थे, उस वजह से आपके काफ़ी कम मार्क्स आए होंगे। तो इस बार कोशिश ये करें कि काफ़ी अच्छी तरीके से स्टडी करके अपने असाइनमेंट सबमिट करें। 30 तारीख तक लास्ट डेट है। सो गाइस दैट्स इट इन दिस वीडियो। तमाम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय व उत्तराखंड ओपन डिस्टेंस लर्निंग न्यूज संबंधी जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में पास से बने नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। धन्यवाद।